गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास प्लस वन यूनिट वन एक्सरसाइज 1.4। हमने इसके फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन डिस्कस पहले कर लिए, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। हमने क्वेश्चन पहले ही राइट कर लिया है। तो क्वेश्चन में जो ए सेंटेंस में लिखा है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, दूसरे वाले बी में इवन नेचुरल नंबर है, सी में ऑड नेचुरल नंबर और डी में प्राइम नंबर। तो जो नेचुरल नंबर आते हैं वो रहेंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 So, और इवन वाले रहेंगे तो 2, 4, 6, 8 सो ऑन, और ऑड वाले आएंगे तो 1, 3, 5, 7 सो ऑन, और अगर प्राइम आएंगे तो आ जाएगा 2, 3, 5, 7 सो ऑन। तो ये हमने इनके सारे के सारे नंबर एलिमेंट्स लिख लिए। और उसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है हमारे पास, उसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखेंगे क्या कॉमन आया। तो ए जो है वो नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, इनमें कॉमन क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास कॉमन आएंगे सारे के सारे इवन नंबर, तो आएगा 2, 4, 6, 8 सो हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आया 2, 4, 6, 8 वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। इसका जो सेकेंड पार्ट रहता है वैसी के जैसा है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है? तो ए और सी में सिर्फ ऑड नंबर आएंगे तो आएगा 1, 3, 5, 7 सो तो ये हमारा सेकंड हो गया। इसी के बाद हमारा थर्ड पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन डी, और फोर्थ है B इंटरसेक्शन C। अब A और D में, A और D में कॉमन क्या है? 2, 3, 5, 7 और इसमें नेचुरल नंबर है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे 2, 3, 5, 7 सो ऑन। और B और C में, B में सिर्फ इवन नंबर है और C में ऑड नंबर है, तो इसमें सिर्फ 5 कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो उसका आंसर 5 आता है। और जिसका लास्ट फिफ्थ पार्ट है वो है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में कॉमन क्या आ रहा है? बी में सारे के सारे इवन नंबर है और डी में प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 2 कॉमन आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ ओवर, यही भी ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एलिमेंट्स दिए हैं ए के, ए ए है हमारे पास 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 15, 18, 20 ये सारे के सारे ए के लिए हैं। और बी के हैं 4, 8, 12, 16, 20 और अब सी के हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डी के एलिमेंट हैं हमारे पास 5, 10, 15, 20 अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो लेफ्ट बचता है वही लिखेंगे। तो पहला बात देख लेते हैं, हमारे पास ए में सारे के सारे एलिमेंट्स ये हैं और बी में ये रहे, तो बचेगा क्या सब्सट्रैक्ट करने पे? जब हम फर्स्ट से जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सेकंड से कट कर देगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो राइट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या 3 बचा, 6 उसके बाद 9, 15, 18 तो अब नेक्स्ट है इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरे पार्ट में a माइनस सी, a माइनस सी। तो अब जो a के सारे एलिमेंट हैं अब उनसे c सब्सट्रैक्ट करना है, c के लेफ्ट कर देना है। तो हमारे पास a में 3 बचा और
देखो सिक्स है तो ऊपर अब सिक्स नहीं आएगा, उसका नाइन, नाइन के बाद नाइन आगे लिखी तो नाइन ट्वेल्व, इसमें ट्वेल्व अभी नहीं है तो ट्वेल्व अभी आएगा, ट्वेल्व फिर उसका फिफ्टीन, फिफ्टीन एटीन, नीचे एटीन नहीं है तो एटीन भी आएगा और ट्वेंटी वन भी आएगा। थर्ड रहता है ए माइनस टी, ए माइनस टी, और ए से डी को किया तो नीचे थ्री नहीं है तो थ्री आएगा, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन नहीं आएगा एटीन और लास्ट में ट्वेंटी वन। इसी का जो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो रहते हैं थर्ड पार्ट है ए माइनस डी, फोर्थ पार्ट है बी माइनस ए, फिफ्थ है सी माइनस ए, सिक्स बी माइनस ए, सेवंथ है बी माइनस सी, एट्थ है बी माइनस डी और नाइन्थ पार्ट है सी माइनस, टेंथ पार्ट है डी माइनस बी, इलेवंथ पार्ट है सी माइनस डी एंड लास्ट ट्वेल्थ पार्ट है डी माइनस। ये सारा के सारा होमवर्क रहता है, करना क्या है दोबारा सुन लो एक बार, हम जो भी ए के एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे और जब डी माइनस हो रहा है तो डी के एलिमेंट मिस कर देंगे ए के एलिमेंट से, जो ए के एलिमेंट बचेंगे वो सारे के सारे हमारे आंसर रहेगा। ओके थैंक यू।